तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं की आपकी अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जैसा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको हिंदी का बताया था वैसा का वैसा ही आपका परीक्षाओं में आया है। और आपका जो अगला क्वेश्चन पेपर है अंग्रेजी विषय का, इसको आप सभी लोग यहाँ से अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लें। तो देखिएगा, आज हम पूरा का पूरा देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं अंग्रेजी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे के पूरे सोल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ए टू जेड क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपसे कैसा पूछा जा रहा है और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहां से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं के आपके अंग्रेजी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग यहाँ से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर वन लिखा है, रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिक ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द पेसेज। तो देखिएगा, आपको इस पेसेज को पढ़ना है, एकेडमिक हैज ऑलवेज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखिएगा, ये एकेडमिक वाला जो पेसेज है ना, इसको बिल्कुल आप लोग रट लो यहाँ से, ये बिल्कुल आपका पेपर में परीक्षाओं में पूछा गया पेसेज है। 101% आपका परीक्षाओं में ये वाला पेसेज छपा है। आप सभी लोगों को अगर अभी यकीन नहीं हो तो देखिएगा, पेपर देकर आकर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, पूरा का पूरा आपका जो पेपर में पेसेज आया है ना, ये वाला पेसेज आया एकेडमिक वाला, आप लोग देख लो यहां से, एकेडमिक आप लोग इससे पढ़ लेना, एकेडमिक हैज ऑलवेज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यहां से आप लोग समझ जाना इसको कि सर ने जो बताया था वो वाला पेसेज आया कि नहीं आया, पूरा का पूरा यही वाला पेसेज छपा आपका परीक्षाओं में। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका राइट आंसर आ जाएगा एकेडमिक। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, व्हाट इज कंसीडरेड ए हॉक्स, तो यहां पर से आप लोगों को लिख लेना है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इसका राइट आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, व्हाट हैड इंडिरेक्ट स्टूडेंट डेवलपमेंट, इसका राइट आंसर आ जाएगा गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स, तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, इसका राइट आंसर होगा। पांचवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड हॉक्स, तो देखिएगा हॉक्स का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, अनट्रू। तो देखिएगा, वैसे इसका भी भ्रम होता है, इसका भी अनट्रू यानी असत्य होता है, इस प्रकार से आप लोग समझ लें इसको। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये जो लिखा है सातवें नंबर का, बीच एक्टिविटी हेड बिकम ए पॉइंट ऑफ फोकस टूडे, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा को क्यूरिकुलम एक्टिविटी। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सातवें नंबर को, व्हाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फॉर एथेटिक डेवलपमेंट, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिएगा, सातवें का उत्तर सी लगा ले। आठवें को देखते हैं, द वर्ड सेंचुरी मीन्स, तो देखिएगा यहां पर आप लोगों को लिख लेना है सेंचुरी का मीनिंग क्या होता है, 1000 साल को सेंचुरी कहते हैं, यहां से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से इसको नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें कि लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द यूनिक, तो देखिएगा यूनिक का एंटोनिम्स आपको बताना जो कि कॉमन होता है, यहां से आप सब लोग देख लें इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, दसवां, क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा द फाउंडेशन, इसका राइट आंसर होगा। तो यहां तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि आगे आपसे प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में प्यारे विद्यार्थियों आपको नोट मेकिंग समरी देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ से आपको क्या करना है, दो काम करने हैं, एक तो टाइटल देना है इस पेसेज को और इसमें से नोट्स बनाने हैं आपको कुछ चार्ट चार्ट के, इसको करने का आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो वैसे तो आपको नोट्स बनाना, टाइटल देना वगैरह सारी चीज़ें आती होंगी, और नहीं आती है तो आपको इस वीडियो के अंत में एक वीडियो मिल जाएगा, उसको देख कर आप लोग नोट मेकिंग समरी को अच्छे प्रकार से सीख लो। तो यहाँ से आप सभी लोगों से चीज़ें इस प्रकार से परीक्षाओं में पूछी जाएगी। अब उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लें, यू आर सुमित ऑफ क्लास 11th ऑफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, तो यहां से आप सब लोग इसको पढ़ लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं, और देखिएगा इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10-4 ये लिखा है, और देखिएगा बाकी के क्वेश्चन ये लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लें, 6 को पढ़ लें, 6 में क्या लिखा है, जर्मन इज यूरोपियन कंट्री, यहां पर आपको क्या लिखना, ए। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, द स्कूल लाइब्रेरी हैज बुक ऑन, तो देखिएगा यहां पर आपको क्या लिखना है, यहां पर आपको लिखना है
ये फेवरेट लेना है। इसके बाद में ये देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलो, यहाँ पर आपको मस्ट लिखना है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन, इंग्लिश इज इन ए मेनी कंट्रीज, तो देखिएगा यहाँ पर आपको लिखना है स्पोकन, यहाँ पर वैसे स्पीकिंग नहीं आएगा, क्या लिखना है यहाँ पर स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज, यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आई डिडेंट लाइक ऑफ देम, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है नेदर, क्या लिखना है यहाँ पर आपको नेदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, दिस इज द मेन नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड, तो यहाँ पर आपको लिखना हूज। तो यहाँ तक के सभी जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए आप सब लोग इसको कंप्लीट कर ले अच्छी प्रकार से। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, तो देखिएगा अब इसके बाद में यहाँ से आप सब लोग डू एज डायरेक्टेड तो देख लेंगे, तो देखिएगा इसका फर्स्ट वाले का आंसर ये लिखा ही डिड नॉट रीड इंग्लिश स्टोरी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और देखिएगा ये जो लिखा ना सेकंड नंबर का क्वेश्चन, मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, तो इसमें आपको सो देट लगाना है, सो देट कैसे लगाओगे, इस वाले टू को हटा दो, यहाँ पर सो लगा दो, और इसके बाद में इस वाले टू को हटाओ, यहाँ पर देट लगाओ, मोहन क्या है इस पुल्लिंग है, तो इसलिए देट के बाद में यहाँ पर आपको ही लगाना है। ही के बाद में देखो क्या करोगे, यहां पर मैं आपको बताता हूं, टू को हटाया डेट लगाया, डेट के बाद में आपने लिखा ही के बाद में कैन नॉट, और इसके बाद में लिफ्ट दिस बैग को जोड़ देना है, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा ऐसे ही आपका ये है तीसरे नंबर का। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको डू एज डायरेक्टेड वगैरह सीखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक वीडियो की लिंक दे रखी है, आप लोग वहाँ पर जाओ, वहाँ से आप सभी को ये सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी, जैसे कि इफ अनलेस का प्रयोग हो गया, सारी चीज़ें हो गई है। वैसे आपको ये जो रेड कलर के पेन से कुछ आंसर लिख रखे हैं, आप लोग इनको देख कर भी इसको याद कर सकते हो। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को लें, जिसमें कि आपसे इस प्रकार से सेक्शन डी पूछा जाएगा। अब चलेगा सेक्शन डी के सॉल्यूशन को देखते हैं कि आपको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिएगा ये पैसेज आपका परीक्षा में आया है, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, तो देखिएगा यहां से आप सब लोग इसको पढ़ लेंगे। अब इसके पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हू वाज कवर्ड विद ए रेड स्रोट, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा द ग्रैंड मदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द बर्ड नॉट ईट ब्रेंच क्रम्स, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा बिकॉज दे वेयर मॉर्निंग, यानी कि वे शोक मना रहे थे, इस वजह से उन्होंने कुछ भी ब्रेड क्रम्स यानी कि रोटी के टुकड़े नहीं खाए थे। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ए डेड बॉडी, तो देखिएगा इसमें एक शब्द आया जिसका मतलब डेड बॉडी होता है, तो वो शब्द क्या है, CORPSE, कॉर्प्स, ये इसका शब्द है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लें, हु इज़ द अतर ऑफ द अबव पैसेज, तो देखिएगा इसका अतर कौन है, तो इसका अतर है खुशवंत सिंह, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेन वाज़ द ग्रैंड मदर्स बॉडी टेकन फ्रॉम क्रीमेशन, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा इवनिंग टाइम। उसके बाद में छठे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड वीपिंग, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा मॉर्निंग, यहाँ से आप लोगों को देख लेना है, मगर देखिएगा मॉर्निंग सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है, इसकी स्पेलिंग अलग है, जिसका कि मतलब क्या होता है, रोना या शोक मनाना, ये इसका मीनिंग होता है। इसके बाद में यहाँ से आप लोग देख लें ये क्वेश्चन नंबर 9, इसका ये वाला क्वेश्चन लिखा है द कार्डबोर्ड, तो देखिए कार्डबोर्ड वाली पोएम को आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। अब चलेगा जल्दी से आपके इसके आंसर बताता हूँ कि आपको इसके आंसर कैसे पूरे कंप्लीट करने हैं। तो देखिएगा इसके आंसर ये लिखे हैं, पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा ए फोटोग्राफ। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बेंच, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा टू पोएटेस्ट। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, यहाँ से आपको लिख लेना टेम्प्ररी। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर बी ये लिखा है, का नो का बी वाला क्वेश्चन ये लिखा है, इसके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फ्रॉम विच लेसन दिस हैज बीन टेकन बाय, ये कौन से पार्ट से लिया गया है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों युद्ध एड्रेस से लिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हु हैज टोल्ड द अदर्स अबाउट द मिसेज डोलिंग, तो यहां से आप लोगों को लिख लेना हर मदर। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वैल्यूएबल। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो क्वेश्चन है ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं और सभी क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को पढ़ लें, देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब चलिए मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा दसवां का पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड मदर कैरी स्टील चपातीज विद हर, तो देखिएगा इसका उत्तर यहाँ से आप सब लोग नोट कर लेंगे, ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द फीट ऑफ द गोल्डन कूर्क रिपीटेड द आफ्टर 2000 ईयर्स बैक, तो देखिएगा इसके उत्तर को देखते हैं कहाँ पर लिखा है, तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है, देखिएगा ये यहाँ से आपको लिख लेना है
200 ईयर्स बैक में 200 ईयर्स बैक क्या हुआ था, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले, पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस एलिमेंट ऑफ द प्लेनम, तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग देख लेंगे यहाँ से और इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें यहाँ तक का। देखिएगा टोटली क्वेश्चन बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में चौथा क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, बेन वाज द लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप, तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा, पूरा का पूरा आप लोग देख लें यहाँ तक का और इसको याद कर लेंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग ध्यान से देख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। पांचवा क्वेश्चन, हुम वेयर आर द टू क्रूमैन दैट कंप्लीट द जर्नी, तो देखिएगा दसवें का पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा दसवें के पांचवें क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, यहाँ से आप सब लोग देख लें और इसके आंसर को नोट कर लेंगे। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्हाट डज यूरोपियन पेंटिंग रिप्रोड्यूस, तो देखिएगा इसके उत्तर को देखते हैं, तो देखिएगा इसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, पूरा का पूरा उत्तर लिखा यहाँ तक का आप लोग देख लें इसको और अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, दस का सातवां, हाउ डिड द सेलर रिपेयर, तो देखिएगा इसके उत्तर को देखते हैं, तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको और इसको याद कर लेंगे अच्छी प्रकार से। उसके बाद में ग्यारहवा क्वेश्चन, हू आर द पर्सन इन द फोटोग्राफ, ग्यारह का पहला क्वेश्चन, तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा, पूरा का पूरा आप लोग देख लें यहाँ से और इसको अच्छे प्रकार से याद कर लें पूरा का पूरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, वाट विल हैपन इफ इट डज नॉट रेन, तो देखिएगा ग्यारह का तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये वाला इसका उत्तर दिया गया पूरा का पूरा, आप लोग देख लें यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है, आप लोग इसको नोट कर लें पूरा, ये इसका उत्तर लिखा है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, व्हाट टूक द शेप ऑफ द सेवर्स इन द स्काई, तो देखिएगा इसका उत्तर ये होगा, पूरा का पूरा आप लोग देख लें यहाँ तक का और इसको अच्छे प्रकार से याद कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, बारह का पहला, व्हाई डिड द बॉय रिटर्न द हॉर्स, तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे, ये प्यार विद्यार्थियों इसका उत्तर पूरा का पूरा ये यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आप लोग देख लें और इसको अच्छे प्रकार से याद भी कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, तो देखिएगा इसके बाद में 12 का दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखिएगा व्हाट वाज द होम, देखिएगा कौन सा क्वेश्चन था 12 का हमें पढ़ना दूसरा, व्हाट वाज द नेम, तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा पूरा का पूरा, यहाँ से आप लोग देख लेंगे इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 12 का तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड द डॉटर गो इन सर्च ऑफ द एड्रेस, तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा पूरा का पूरा, यहाँ से आप लोग देख लें इसको और अच्छे प्रकार से याद भी कर लेंगे। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। 13वें क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्क्राइब द अदर्स ग्रैंड मदर, तो देखिएगा इसका उत्तर ये होगा, आप सब लोग देख लें और यहाँ से आप सब लोग इसको याद कर लेंगे, डिस्क्राइब द अदर्स ग्रैंड मदर, पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, आप लोग नोट कर लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 13 का दूसरा, हु वाज द अनटूटेड ये गेंस, पूरा का पूरा आप लोग पढ़ लें 13 का दूसरा क्वेश्चन, तो देखिएगा इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा ये यहाँ पर आपको दिया गया है, आप लोग इस प्रकार से इसको पूरा देख लें और अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 13 का तीसरा क्वेश्चन, ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रेस्ट, तो देखिएगा इसका उत्तर ये होगा पूरा का पूरा, आप लोग देख लें यहाँ से और इसको अच्छे प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 14 का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लेबरनम टॉप, तो देखिएगा इसका लेबरनम टॉप जो पोएम है ना, इसका सेंट्रल आइडिया आपको बताना है, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं और इसके सेंट्रल आइडिया को नोट करते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सेंट्रल आइडिया इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे, पूरा एक हिस्सा ये लिख लें आप सब लोग और इसके बाद में दूसरा हिस्सा ये यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद में 14 के बाद में 15वां क्वेश्चन, हाउ डू यू डेंग, तो देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसके उत्तर को देखते हैं हम, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर ये आ जाएगा पूरा का पूरा, आप लोग यहाँ से देख लें और इसको याद कर लें अच्छे प्रकार से। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों एक ही वीडियो में मैंने आप सभी को पूरा का पूरा आपका जो पेपर है ना उसका सोल्यूशन दे दिया है प्यारे विद्यार्थियों। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।